Hello, namaste. How are you? Hope you are doing fine. This is Khushboo with another question of coordinate geometry. This is 9th question from exercise 7.2, page number 167 from NCERT. This says, find the coordinates of the points which divide the line segment joining this and this into four equal parts. ये हमारी line segment है. इस पे दो points दिए हैं. -2, 2, 2 and 8. हमें पॉइंट्स बताने हैं, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं फोर पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. मान लेते हैं ये पॉइंट क्यू है, यानी पी है, क्यू है, आर है. इन सब के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं. सो इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए जब भी ऐसा हो आपको लाइन सेगमेंट गिवन है उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है लेकिन जो उसको डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट नहीं है, उस केस में हमें चाहिए होता है इनका रेशियो ताकि हम सेक्शन फॉर्मूला से ये कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएं. तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करें कि इस लाइन सेगमेंट को सिर्फ क्यू डिवाइड कर रहा है. तो क्यू किस में करेगा? वन. और कितने पार्ट बचे? एक पार्ट तो ये हुआ, बाकी एक दो तीन बचे, तीन पार्ट. तो क्यू इसको डिवाइड कर रहा है 1:3 की रेशियो में, बिकॉज एक पार्ट तो ये हुआ यहाँ पर, आई मीन पी इसको डिवाइड कर रहा है 1:3 की रेशियो में, बिकॉज एक पार्ट तो यहाँ हुआ, बाकी बचे दो तीन पार्ट्स. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट पी इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x3 y3, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:3. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, so bisection formula, हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 or m1 by 2 plus m2 by 1 upon m1 plus m2. so अब m1 m2 हमारे पास जो रेशियो में लेट किया दैट इज 1:3. so, इस पार्ट के अकॉर्डिंग हमारा m1 हुआ, m1 हमारा है 1, m2 हमारा है 3, x1 ये x1 y1, ये x2 y2, x1 की वैल्यू है हमारे पास -2, x2 की वैल्यू हमारे पास है 2, y1 की वैल्यू है 2 एंड y2 की वैल्यू है 8. अब इन वैल्यूज को आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. सो यहां से m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है -2 अपॉन 1 प्लस 3. नेक्स्ट m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है 8, m2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है अपॉन m1 जो कि 1 है, m2 3 है. सो ये आया 2 1 2, 3 2 6 नेगेटिव साइन, नीचे 4, 8 प्लस 6 नीचे 4. सो ये आया -4/4 एंड 14/4. तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए -1 and 7/4. ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास पी के लिए -1 and 7/2. अगली बार इसके हमने निकाल ली. अब जब क्यू पी को हम भूल जाएंगे, आर को भूल जाएंगे, क्यू की बात हो रही है, तो वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है पहले यहां से जो कि है 2, फिर यहां से ये भी है 2 पोर्शंस, 2:2 के रेशियो में, दैट मींस कैंसिल हुआ तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो अब इस पार्ट में हमारे पास m1 m2 की वैल्यू चेंज हो गए हैं, वैल्यू हो गए हैं 1:1. सो इन वैल्यूज को यूज करेंगे और इसको पुट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के अंदर. सो हमारे पास ये वैल्यूज आते हैं यहां से, हम लिखेंगे लेट पॉइंट क्यू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:1. ये आपको हर एक के ऊपर हर एक की अलग हेडिंग लिखनी है. x4 y4 ले लेते हैं 1:1. तो m1, अब हमारा m1 है 1, x2 हमारे पास है अगेन 2,
एम टू है वन, एक्स वन हमारे पास है माइनस टू अपॉन वन प्लस वन. नाउ एम वन वाई टू, एम वन है वन, वाई टू इज एट. एम टू है वन, वाई वन इज टू अपॉन वन प्लस वन. सो ये आया टू माइनस टू बाय टू, एट प्लस टू बाय टू, दैट मीन जीरो बाय टू, टेन बाय टू, ये आ गया फाइव. तो वैल्यूज आए जीरो और फाइव. ये हमारे पास वैल्यूज आ गई टू के लिए, जीरो एंड फाइव. सेम वे हमें फाइंड करना है आर के लिए. आर के लिए हम जो वैल्यूज निकालेंगे तो हमारे पास जो रेशियो आएगा दैट वुड बी आर के लिए इतना पोर्शन पहले कवर होगा, दैट मीन्स थ्री पार्ट कवर हो गए. फिर बचा एक पोर्शन, दैट मीन्स वन पार्ट. तो रेशियो हुआ थ्री इज टू वन. अब ये पॉइंट चेंज कर देंगे, इसको आर के लिए लेट कर लेते हैं. रेशियो चेंज होकर आ गया थ्री इज टू वन. रेस्ट सब कुछ चेंज सेम रहता है, बस आपकी रेशियो चेंज हो जाती है. इसको ले लेते हैं आर, एक्स फाइव वाई फाइव, रेशियो ऑफ थ्री इज टू वन. सो यहां से आपके पास एम वन, एम वन आपके पास क्या है थ्री. एक्स टू, एक्स टू आपके पास है टू. एम टू इज वन, एक्स वन इज माइनस टू अपॉन थ्री प्लस वन. सेम वेज अगेन, एम वन इज थ्री, बाय टू इज एट, एम टू इज वन एंड बाय वन इज टू अपॉन थ्री प्लस वन. सिक्स माइनस टू बाय फोर, ट्वेंटी फोर प्लस टू बाय फोर, फोर बाय फोर ट्वेंटी सिक्स बाय फोर. वी आर वन, टू टू थर्टीन थर्टीन बाय टू. ये हमारे पास आ गया वन एंड थर्टीन बाय टू. ये आ गई हमारे पास आ गई तीनों कोऑर्डिनेट्स. सो जब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं, आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा है, रेशियो नहीं गिवन है, तो आप रेशियो इस तरह से देख सकते हो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. जैसे पी के लिए पहले एक पार्ट था, फिर तीन पार्ट थे, तो वन इज टू थ्री हुआ. क्यू के लिए दो दो पार्ट थे, टू इज टू टू, कैंसिल करके आया वन इज टू वन. आर के लिए पहले तीन पार्ट फिर एक पार्ट, तो रेशियो हुआ थ्री इज टू वन. लेकिन अगर आपने गलती से एम वन को एम टू या एम टू को एम वन करके चेंज कर दिया तो आंसर गलत आएगा. सो वैल्यूज को आपको बहुत ध्यान से पुट करना है. एंड दिस वॉज नाइन क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2. एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.